एक मिनट, माइक तो सेट कर, बॉल सेट कर लो। या गुड टू गो। तो यार, आपने सरोजनी नगर के बारे में काफ़ी सुना होगा। आपने सुना होगा अपने दोस्तों को बोलते हो कि यार आई वेंट टू दैट मार्केट, आई बॉट दैट, आई बॉट दिस, लाइक यू लुक लुक हाउ अफोर्डेबल दिस इज, हाउ चीप दिस इज। आई नो आपने भी सुना होगा वो अफोर्डेबल और बजट शॉपिंग के बारे में अपने दोस्तों से। और वही एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से सुना था इस बारे में, एंड आई वाज लाइक आई हैव टू ट्राई दैट बिकॉज मेरा चैनल फैशन के बारे में है। लाइक मेजोरिटी ऑफ इट इज़ अबाउट फैशन, दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू कवर ऑन माय यूट्यूब चैनल। बट द थिंग इज़, हाँ, बजट शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग उसके साथ स्ट्रगल करते हैं। तो आई वाज लाइक कि ऑफकोर्स सरोजनी नगर एक ऐसा टॉपिक है दैट आई रियली वॉन्ट टू कवर, और ये वीडियो उसी के बारे में है बिकॉज आई रिसेंटली वेंट टू सरोजनी नगर। आपने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा, इवन दो वो व्लॉग से कम बस थोड़ा एक कुछ क्लिप्स थी जो मैंने शूट कर ली थी, उसके बेसिस पे मैं अपना व्लॉग बना देता हूँ और जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ। बट एनीवेज, इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। लाइक इफ यू आर कमिंग ऑन दिस वीडियो टू लर्न अबाउट सरोजनी नगर फ्रॉम अ मेंस फैशन स्टैंड पॉइंट, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें दैट आई वुड कवर, एंड आई वुड मेक श्योर कि आपको थोड़ी बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इफ़ यू गोइंग टू सरोजनी नगर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू जो लड़कों की शॉपिंग और मेंस फैशन इन जनरल, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं लेके आया सरोजनी नगर से, जिसका मैं रिव्यू भी दूंगा इस वाली वीडियो में। सो या, बेटर वॉच आउट फॉर दैट। एंड या, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई होल एक्सपीरियंस ऑफ सरोजनी नगर एंड हाउ इट वॉज, एंड लाइक इज द मार्केट ऑल हाइप और डज इट रियली हैव समथिंग टू ऑफर। So you better watch this video till the end because it's going to be very informative, and of course it would definitely add some value onto your own experience or let's say views about Sarojini Nagar as a market. So before all that, let's roll the intro. There you go. तो यार, शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको सरोजनी नगर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा बता देता हूँ। तो सरोजनी नगर मार्केट एक फ्ली मार्केट है। सो आपने वो देखा होगा ना, जो टिपिकल बाजार हुआ करते थे पहले की तरह, जैसे कि जो आउटडोर बाजार होते थे बेसिकली, जहाँ पर स्टॉल लगे होते थे और कई सारे जो सेलर्स होते हैं वो अपनी आइटम्स बेच रहे होते थे उन स्टॉल्स पे आउटसाइड, कोई प्रॉपर एक मॉल की तरह नहीं जैसे हमें आजकल आदत है। तो उस तरह का ये एक बाजार है जो कि काफ़ी फेमस है दिल्ली में। इट्स वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दिल्ली इटसेल्फ। सो इन अ वे इट्स वेरी फेमस, एंड स्पेशली ऑलमोस्ट आई वुड से ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ दिल्ली पीपल गो देयर एंड शॉप। और क्योंकि अफोर्डेबल जो शॉपिंग है या लेट्स से बजट शॉपिंग, वो उसके लिए काफ़ी फेमस है। और आपको वहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलती है, वो चाहे आपको होम डेकोर हो गया या फिर आपकी क्लोदिंग हो गया, ज्वेलरीज एंड ऑल दैट गुड स्टफ। और आपको वहाँ जनरली वो चीज़ें मिलेंगी जो मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को। सो इसलिए काफ़ी सस्ते प्राइसेस मिलेंगे आपको। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ थ्रेफ्ट मार्केट, क्योंकि वहाँ पर यूज आइटम्स भी मिलती हैं। आपको कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर इट वुड बी रिटन कि इट्स अ थ्रेफ्ट शॉप, जहाँ पर आपको पुरानी किसी की यूज आइटम्स मिल सकती हैं काफ़ी अच्छे रेट में। और वो चीज़ें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल पुरानी होती है, फटी हुई होती है, नहीं, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में होती हैं। और आप वहाँ जाओगे तो आप देख पाओगे कुछ ऐसा आपको काफ़ी वैल्यूएबल मिल सकता है जो अगर आप ओरिजिनली बाय करना चाहो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, बट वहाँ पर आपको क्योंकि इट्स अ यूज्ड आइटम आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएगा और आप अपना फैशन भी फॉलो कर पाओगे ढंग से। तो आई फील इफ यू आर ऑन अ बजट देन दैट इज़ डेफिनेटली अ गुड चॉइस टू गो विद। एंड या, दीज आर द फ्यू बेसिक्स दैट यू वॉन्ट टू नो अबाउट सरोजनी नगर मार्केट। इट्स ऑल अबाउट बजट, इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है वहाँ सरोजनी नगर मार्केट पहुँचने में और क्या रहता है जनरली इसका रूट। सो इफ यू कमिंग फ्रॉम मेट्रो, इट वुड टेक यू 25 मिनट्स टू कम फ्रॉम राजीव चौक टू सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन। तो 25 मिनट्स वहाँ पर लगते हैं। बट इफ यू कमिंग फ्रॉम अ कार, दैट कुड वेरी अकॉर्डिंग टू योर ओन लोकेशन। मैं सोनीपत से आया था तो इट टुक मी अराउंड 1 आवर टू रीच देयर, और अकॉर्डिंगली आप भी अपना टाइम देख सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ गूगल मैप। सो आप वो देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप क्या देखोगे वंस यू रीच देयर। और एंटर करने से जस्ट पहले तो आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी क्राउडेड है वो एरिया, आप काफ़ी सारे लोगों को देखोगे आसपास। उसके बाद आप देखोगे काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं स्ट्रीट पे, वो कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। वो होम डेकोर आइटम्स हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि मैं जैसे गया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड।
और वहाँ पर आपको प्रॉपर पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा। एंट्री से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले आपको एक प्रॉपर पार्किंग एरिया मिल जाएगा जहाँ अपनी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो, और कोई भी एनी टू व्हीलर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम। और हाँ, थोड़ी बहुत पुलिस बैरिकेडिंग भी हो रखी है एंट्री पे जस्ट, तो काफ़ी क्राउडेड है। आपको बस ध्यान रखना है जो आपकी चीज़ें साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन हो गया, आपका वॉलेट हो गया, बस मेक श्योर कि आप ध्यान से रखें उन चीज़ों को। एंड आई फील वैसे तो काफ़ी सेफ है, बट जस्ट टू बी कॉशियस आप थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कॉन्शियस रहना उन चीज़ों को लेके। एंड ऑफकोर्स थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग दिखेगी पुलिस की, और अपना मास्क पहन के जाना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, क्योंकि फ़िलहाल कोरोना वायरस अभी भी है, थोड़ा बहुत केसेस हैं दिल्ली में ऑफकोर्स, तो यू वुड वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ सेफ, तो मास्क पहन लेना, और हो सके थोड़ा सा डिस्टेंस खुद ही मेंटेन रखना बाकी लोगों से। ये बस एक मेरी तरफ से एडवाइस है आपको, क्योंकि दैट्स व्हाट आई फॉलोड जब मैं गया था वहाँ पर। वो मेरी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें होंगी, आपको एक फील आ जाएगी जैसे आप एंटर करने से पहले कि एक बाज़ार में घुसने वाले हो, और अपने आप में एक वो एक्सपीरियंस होने वाला है, और आपको पता होगा कि आप खरीद के कुछ ना कुछ तो आओगे, क्योंकि जैसे आप एंटर करोगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने वाली हैं जो आप बोलोगे कि यार ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ था, बट द काइंड ऑफ शॉपर आई एम, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं वो चीज़ें ना खरीदूँ जो मेरे पास ऑलरेडी हूँ। और स्पेशली ऑफ कोर्स अगर आपको अफोर्डेबल चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्वालिटी को लेके, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बाय देयर। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो गाइस बात करते हैं, जैसे ही आप मार्केट में एंटर करोगे तो आप यू रियलाइज दैट कि वहाँ पर स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो काफ़ी हायर एंड लगती हैं, और ऑफ कोर्स वो हैं भी, क्योंकि वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। एंड इफ़ यू आर ऑन अ बजट शॉपिंग देन आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू चेक आउट द इनर लेन्स फर्स्ट सेंस, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी और काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी उन्हीं सेम कपड़ों पे जो वो बाहर बेच रहे हैं, बस क्योंकि वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही, इसलिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और जिस तरीके से वो मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, उसी चीज़ के लिए वो चार्ज भी कर रहे होते हैं। बट अगर आपका पर्पज़ ही बजट शॉपिंग है, और ऑफ कोर्स वो बहुत सारे लोगों का होता है सरोजिनी नगर जो जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यू चेक द इनर लेन फर्स्ट, वहाँ पर आप एक्सप्लोर करिए, आपको डेफिनेटली सेम चीज़ मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, एंड दोज आर द नॉर्म्स सरोजिनी नगर के लिए। आप थोड़ा बार्गेनिंग करो, वहाँ बार्गेनिंग करने ही जा रहे हो, तो इन अ वे आपके वो नेगोशिएशन स्किल्स भी चेकआउट होंगे वहाँ पर सरोजिनी नगर मार्केट में। एंड इन अ वे यू कैन लाइक ट्रेन योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट विजिट, थोड़े बहुत बार्गेनिंग स्किल्स पे वर्क करो। मेरा फर्स्ट एक टाइम था वहाँ पर, थोड़ा बहुत बार्गेन मैंने भी किया, और वो थोड़ा बहुत आप मेरे व्लॉग में देख पाओगे कहीं ना कहीं। तो एनीवेज मतलब काफ़ी कुछ है एक्साइटिंग वहाँ पर, थोड़ा मज़ा आएगा, एक एक्सपीरियंस है अपने आप में वो। जहाँ तक मैं बात करता स्टार्टिंग में, जैसे आप एंटर करोगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कलोन्स, परफ्यूम्स और डियोस बेचने वाले मिलेंगे, तो वो बिल्कुल अजीब तरीके से आते हैं, जैसे कि छुपा, जैसे कुछ है ना छुपा के आते हो, सर गुची प्रो। आई वाज लाइक यार पहली बात तो यार तुम ये बता यार गुची प्रो यार कौन से परफ्यूम्स आ गए, मुझे तो आइडिया भी नहीं था ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, और आई एम श्योर नहीं करता होगा, बट मैं बस बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दे रहा हूँ कि मे बी होगा कुछ ना कुछ जिसकी कॉपी वो बेच रहे हो वहाँ पर। तो आई वुड नेवर रेकमेंड यू कि वहाँ से आप कलोन्स डीओस लो, लाइक यू नेवर नो लाइक किस वे में वो रिएक्ट कर जाएं, तो नेवर बाय एनी सॉर्ट ऑफ कलोन्स और लाइक कॉपीज ऑफ दीज एक्सपेंसिव परफ्यूम्स फ्रॉम सरोजिनी नगर मार्केट, वो इसलिए नहीं जानी जाती, तो प्लीज़ डोंट बाय दैट फ्रॉम देयर। और हाँ मतलब मेरे साथ वो हुआ था, तो आई वॉज लाइक कि गुची प्रो मेरे को नहीं चाहिए यार, गुची प्रो बेच रहा था मेरे को, गुची प्रो कोई वो फ़ोन नहीं था, इट वॉज अ फकिंग परफ्यूम, मतलब गुची प्रो ले लो। आई वॉज लाइक कि नहीं नहीं आई डोंट वॉन्ट गुची प्रो, मैं अपना गुची प्रो मैक्स लेंगे, तो उसको कैसे भी ना कैसे करके टाला, वो लग ही गया था हमारे पीछे। बट एनी वेज वहाँ से क्लोन्स कभी मत लो, परफ्यूम्स कभी मत लो, वहाँ पर और अच्छी शॉप्स हैं, और अच्छी जगह जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो उन चीज़ों में। तो लेट्स फोकस ऑन कपड़े, एक्सेसरी, बैग्स, ज्वेलरी एंड होम डेकोर आइटम्स, ठीक है, एंड मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो गाइस नाउ टॉकिंग अबाउट द शॉपिंग पार्ट ऑफ इट, वहाँ पर कपड़े खरीदने के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा और थोड़ा एडवाइस दूंगा कि आप उस चीज़ को फॉलो करें बिफोर गोइंग टू एनी शॉप। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू कैरी इनफ कैश विद यू, जितने कि आप शॉपिंग का प्लान करके आए हो एटलीस्ट उतने पैसे तो होने ही चाहिए, क्योंकि देर आर वेरी लेस शॉप आउटलेट्स वेयर इन दे एक्सेप्ट योर UPI एंड ऑल डिजिटल पेमेंट, दे वॉन्ट एक्सेप्ट दैट। तो अपना ये अपना कैश रखिए, थोड़ा कैश होनी चाहिए वैसे भी, और ऑफकोर्स फूड स्टॉल्स भी आते हैं बीच में, तो वहाँ पर भी अब UPI और ये जो अपना Paytm कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, लाइक थोड़े बहुत लोग कर लेते हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू कैरी सम कैश, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम कैश। ये मैंने एक पहले वाली वीडियो में भी कहा था अपने वॉलेट वाली में, तो या कैश कैरी करना, और साथ में एक मीडियम साइज बैग भी जरूर कैरी करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ गाइस जब सरोजिनी नगर लोग फर्स्ट या सेकंड टाइम जाते हैं ना, मैं बता रहा हूँ वो उनका मन करता है ये भी खरीद लूँ मैं, वो भी खरीद लूँ, क्योंकि चीज़ें
काफ़ी सस्ते दाम में मिलती है। तो ऑफकोर्स हो सकता है कि आप बहुत कुछ शॉप करें। मुझे याद है एक लड़की मैं देख रहा था इतनी भीड़ में जा रही थी, छुप के हैट पहन के पूरे लाइक बैगी क्लोज पूरी कवर्ड थी, दो भारी भारी बैग लेके जा रही है छुप के बिल्कुल इतने क्राउड में से निकल के। आई वाज लाइक कि हाँ भाई बिल्कुल सिंबलाइज करता है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सरोजिनी नगर में। वहाँ जाओगे आप शॉप करके आओगे, लाइक आई मीन दैट इज़ नॉट द केस विद मी, क्योंकि मैंने काफ़ी कम शॉप किया वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आइटम्स ऑलरेडी थी मेरे पास अपने वार्डरोब में। तो आई जस्ट नीडेड फ्यू आइटम्स जो मैंने चूज़ कर ली थी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के एंड में। बट आप डेफिनेटली कुछ कैरी बैग्स अपने साथ रखिए सो दैट वो आपको हेल्प कर पाएँ, थोड़ा असिस्ट कर पाएँ सामान कैरी करने में। ऑफकोर्स हमेशा हेल्पफुल रहेगा उस चीज़ों को। सो नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज़ द शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड लाइक वट एवर थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मार्केट लाइक फ्रॉम अ मेन्स फैशन स्टैंड पॉइंट। सो यूल फाइंड मोर वुमेन ओरिएंटेड स्टफ इन दिस मार्केट, but that doesn't mean ki you won't find anything regarding men's fashion. You'll find a lot of good men's clothing. thoda sa time dene ki baat hai, thoda sa effort dijiye, thoda sa ghoome, thode aapko time bitana padega. usually hum kya karte hain, ladke zyada ghoomna pasand nahi karte, hame kuch pasand aaya humne pick kiya fatafat nikal gaye, nahi thoda bahut aapko yahan par in cheezon ka dhyan rakhna padega. thoda time invest kariye, thoda bargaining kariye, achhi deals milengi to of course aapka bhi experience baad mein bhi acha rahega, agar wo acha rehta hai to aap dobara se wapas jayenge. अब गाइस एक चीज़ और है जो मैंने सुनी है, आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई हैव रेड अबाउट इट समवेयर एंड आई थॉट आई शुड लेट यू नो, एंड दैट इज़ कि मंडेज आर यूजुअली नॉन फॉर चीप स्टफ, जिस दिन आपको थोड़ा सस्ता ज़्यादा मिल जाएगा सामान, एंड ऑन वेंसडे यू माइट जस्ट फाइंड मोर वेराइटी इन द क्लोथ्स। तो आपको ये डोंट कोट मी ऑन दिस, आई थॉट लाइक आई हैव रेड अबाउट इट सो आई थॉट आई शुड लेट यू नो। आप अपने आप जा सकते हैं वहाँ पर और खुद पता कर सकते हैं इस बारे में, मेरे को बता सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं नीचे कि इज़ इट रियली ट्रू, और अगर होगा तो ऑफकोर्स यू कैन प्लान योर और विजिट अकॉर्डिंग टू दैट। और अब अगली चीज़ पे आते हैं विच आई फील इज़ समथिंग दैट यू माइट नॉट बी अवेयर, एंड दैट इज़ कि आपको वहाँ पर यू वॉन्ट फाइंड एनी चेंजिंग रूम, या रेयरली मतलब एक या दो जो स्टार्टिंग वाली शॉप्स हैं ना शायद से वहाँ पर आपको मिल जाए चेंजिंग रूम, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है सेलर ने, तो हाँ वहाँ थोड़ा बहुत मिल जाए, बट इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड अ चेंजिंग रूम। तो आपको अपने खुद के तरीके आने चाहिए चेक करने के लिए कि व्हाट साइज फिट्स यू। सो आई रिमेंबर अ फ्रेंड जो मेरे साथ सरोजिनी नगर गई थी, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, तो शी वॉज रैपिंग हर डेनिम पैंट्स अराउंड हर नेक जस्ट टू चेक कि वो साइज़ ठीक है या नहीं है। तो इन अ वे आपको अपना खुद का एक इनोवेटिव आइट ढूंढना पड़ेगा तरीका चेक करने के लिए कि इफ़ द साइज़ इज़ राइट और नॉट फॉर यू, तो आप वो कर सकते हैं। बट मेरी एडवाइस रहेगी कि गो विद द लार्जर साइज़, अ साइज़ दैट इज़ लार्जर देन योर यूजुअल बाय। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई शर्ट ले रहा हूँ, मैं जनरली अगर एल पहनता हूँ तो मैं एक्सेल ले लूँगा वहाँ पर। एंड आई रिमेंबर दिस पार्ट, वहाँ पर मेरी दोस्त को और मेरे को एक शर्ट पसंद आई थी, उसको अपने भाई के लिए पसंद आई थी, और वो शर्ट सेम शर्ट मैंने अपने लिए खुद के लिए भी ली थी। एंड आई वॉज नॉट श्योर कि कौन सा साइज़ लिया जाए वहाँ पर यूजली, क्योंकि मैं एल पहनता हूँ, तो मैंने उन्हें बोला कि एल दिखाइए आप पहले, उन्होंने एल दिखा दिया मेरे को, और फिर आई वॉज लाइक कि यार एल मेरे को छोटा लग रहा है देख के, तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है जस्ट टू बी सेफ एक्सेल ले लेते हैं। मैंने भी एक्सेल ले ली, उसकी मेरी दोस्त ने भी एक्सेल ले ली अपने भाई के लिए, और जब हम पहुँचते हैं घर पे, जब हम ट्राई करते हैं उसको, तो हमें पता चलता है कि मतलब एटलीस्ट मेरे को पता चलता है कि वो टाइट थी, कुछ जगहों से उसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं था, और स्पेशली बाइसेप वाले पॉइंट से थोड़ा सा वो टाइट था। बट एनीवेज क्योंकि वो मैंने शॉप किया था अपना होली के पर्सपेक्टिव से, होली के व्लॉग में मैं पहनूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स मैं होली पे कपड़े ख़राब करने के लिए ही मैंने कुछ लिया था, मेरे पास नहीं था पहले, मैं कुछ अपना पहले का कुछ सामान ख़राब करना नहीं चाहता था। तो आई वॉज लाइक एनी वेज ठीक है पहन लेते हैं, बट वो उसकी अच्छी फिटिंग आगे समा हुआ, मैनेज टू वेयर इट इन अ नाइस मैनर। सो या लाइक फाइंड योर ओन इनोवेटिव वे टू चेक वेदर द साइज इज अ गुड फिट फॉर यू और नॉट। इट वॉज परफेक्ट फॉर हर, एंड लाइट जा चुकी है, रुको थोड़ा वेट करते हैं। यार देखो लाइट चली गई थी, इसलिए मेरे को अभी आउटर अपना यहाँ पर शूट करना पड़ा, मैंने अपना बस थोड़ा एंगल चेंज करा और इस लाइट के अंडर आ गया। तो प्लीज़ इसी एफर्ट के लिए ना लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगे मेरे को, और आपको पता ही हेल्प करेंगे राइट। तो थोड़ा सा भी राधा दिन की मेरे को पर्सनली मेरे को बताओ कि भाई वीडियो अच्छी थी, वी लाइक योर एफर्ट, यहाँ लिख दो कमेंट्स में लिख दो, आई वुड अंडरस्टैंड, आई वुड नो, आई वुड गेट योर मैसेज, तो प्लीज़ डू दैट। और हाँ ऑफकोर्स इन अ वे टॉकिंग अबाउट सरोजिनी नगर मार्केट, ऑल एंड ऑल द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला मेरे को, जिस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी टाइम से सुना था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने आप। तो आई वुड से इट्स अ ग्रेट प्लेस टू शॉप इफ़ यू आर ऑन अ बजट, और बजट शॉपिंग, और वैसे भी फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स, फाइंडिंग न्यू ट्रेंडी आइटम्स जो आपको कहीं और शायद से ना मिले, या मिले तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिले, आप सरोजिनी नगर मार्केट में जा सकते हैं और आपको काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ से। तो
तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड एनीवन, बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, अगर इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग ऑन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, गो सरोजिनी नगर। कहीं देखने की जरूरत है ही नहीं आपको, किसी और मार्केट में जाने की जरूरत है ही नहीं, बस वहाँ जाओ और अपना 2-3 घंटे लगा के आओ। आई एम श्योर हफ्ते महीने की शॉपिंग हो जाएगी अच्छे बजट में, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। और हाँ, एक चीज़ और मैंने खरीदी थी वहाँ पर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों चीज़ें ऐड कर देता हूँ इस वीडियो में, सॉर्ट ऑफ लुक बुक होगी वो, जहाँ पर मैं थोड़ा पहन के दिखा दूँगा स्लो मोशन में। आपने मेरी वो शर्ट तो देखी होगी व्लॉग में, मेरे पुष्कर वाले व्लॉग में, अगर नहीं देखा तो वो भी जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पर मैंने अपने थर्ड डे को वही पहनी थी शर्ट, वाइट वाली, जो मैं सरोजिनी नगर से ले गया था। इनफैक्ट ये रही सरोजिनी नगर से जो मैं लेके आया था, दिस वॉज द शर्ट। और हाँ, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, कुछ अलग था, मेरे पास ये वाला पैटर्न नहीं था, लीव्स बनी हुई है इस पर वाइट कलर की, और ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने यही पहनी थी। और ऑफकोर्स ये मैंने अभी पहन रखी है रिंग, क्योंकि एक्सेसरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है अगर आपकी जो एक ओवरऑल लुक में, और काफ़ी करेक्टर ऐड करती हैं। तो ऑफकोर्स दिस आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड, गो चेकआउट सरोजिनी नगर फॉर दिस काइंड ऑफ स्टाफ एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। ये मेरे को 250 रुपये की मिली थी यार, मतलब सेम शर्ट अगर आप कोई किसी ब्रांड से लोगे तो आपको आराम से मतलब 600-700 रुपये तो मिनिमम है, और कुछ ब्रांड्स तो अब आपको पता है H&M और ज़ारा तो इसको 1500-2000 तक भी ले जाते हैं। तो एनीवेज इसको दोबारा से लगा देते हैं वहीं पर। हाँ, तो ऑल एंड ऑल द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। आप सरोजिनी नगर को प्लीज़ चेकआउट करिए, काफ़ी अच्छी जगह है बजट शॉपिंग के लिए। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे को, और आगे से मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, जल्द से जल्द लाता रहूँगा। और आप मेरे को सजेशंस मतलब सजेस्ट भी कर सकते हैं जो वीडियोस आप देखना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू मेंस फैशन, और अगर कुछ आपको मेरे स्टाइल का पसंद नहीं है तो यू कैन सजेस्ट मी दैट एज वेल, क्योंकि आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम ऑलवेज ओपन टू गेट सम फीडबैक अबाउट माई फैशन, इट्स ऑलवेज ओके बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव बीन ट्राइंग, बैगी क्लोदिंग। थोड़ा ये माइक की वजह से थोड़ी डिफरेंट लुक आ रही है, बट हाँ एनीवेज आई थिंक आई लुक गुड। So, and having said that, thank you for watching this video. I really hope you liked this video. And if you did, then please hit the like button, subscribe this channel, and share this video with your friends and loved ones. Share this video to anyone. And yeah, thumbs up. Like. Thank you for watching, guys. I'll see you in the next video. Thank you.